नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। रिसेंटली ही मैंने एक मीडिया डिबेट देखी। वैसे मैं मीडिया डिबेट्स देखता नहीं हूँ, ट्विटर में कभी कभी सामने आ जाती हैं, और ये एक्चुअली पाकिस्तानी मीडिया की एक मीडिया डिबेट है। जैसे कि हमारे यहाँ पे होता है ना कि बड़े बड़े नेता जाते हैं, न्यूज़ चैनल्स में बैठते हैं और वहाँ पर जाके बहस करते हैं, वैसे पाकिस्तान में भी होता है। अभी इस बहस के दौरान इतनी हंसी वाली बहस थी, और किस हद तक पाकिस्तान के आला ऑफिसर, पाकिस्तान के जो ऊंचे लेवल के मिनिस्टर्स होते हैं, वो प्रोपोगंडा फैलाने की कोशिश करते हैं अपने मीडिया के थ्रू, उसका बेस्ट एग्जाम्पल है यहाँ पे। जो पाकिस्तान की रूलिंग पीटीआई गवर्नमेंट है, पाकिस्तान तहरीके इंसाफ पार्टी, जिसके हेड इमरान खान, उसी के एक लीडर है नीलम इरशाद शेख। इन्होंने इतने कंट्रोवर्शियल कमेंट्स दे डाले। कंट्रोवर्शियल कमेंट क्या दे डाले, साफ साफ इनकी बातों से लग रहा है कि प्रोपोगंडा है। अब मैं अगर हो सकता तो आपको ये वीडियो आपको दिखाता, ठीक है, 10 से 15 सेकंड का ही बस हंसी वाला इसमें मोमेंट है, बट मैं आपको दिखा नहीं सकता, चूंकि इस प्रकार की मीडिया को अगर मैं अपने यूट्यूब में दिखाता हूँ तो कॉपीराइट क्लेम वगैरह आ जाते हैं। तो मैं आपको बोलूंगा कि हिंदुस्तान टाइम्स का ये जो आर्टिकल है, इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो यहाँ पे ही इस ट्वीट को दे रखा है, तो आप एक बार इस वीडियो को देखना। इससे आपको पता चलेगा कि कैसे मीडिया में प्रोपोगंडा फैलाया जाता है। प्रोपोगंडा कैसे फैला रही है यहाँ पे नीलम इरशाद शेख। नीलम इरशाद शेख बोल रही है कि इस इंडिया ने हमारे देश के टुकड़े टुकड़े कर दिए, तो अब इन टुकड़ों को जोड़ने में तालिबान हमारी मदद करेगा। हमने तालिबान की इतनी मदद की है, तो अब तालिबान हमारी मदद करेगा। कैसे मदद करेगा, तो भाई कश्मीर को इंडिया से आजाद करा के। अब देखिए क्या प्रोपोगंडा है। अब ऐसा प्रोपोगंडा जिसको पाकिस्तान का ही जर्नलिस्ट रिफ्यूट कर रहा है और काउंटर कर रहा है। पाकिस्तान का जर्नलिस्ट पलट के नीलम इरशाद शेख से बोल रहा है कि आपको आइडिया भी है आप क्या बोल रहे हो, आप कैसे बात कर रहे हो, आप हवा में बात कर रहे हो, कोई लॉजिक है आपकी बात के पीछे। तो इसके बाद नीलम इरशाद शेख एकदम से भड़बड़ा गई और काउंटर कमेंट करने लगी। चूंकि होता है ना कि आप अपने देश में प्रोपोगंडा फैलाने की कोशिश करो तो सामने वाला आपके प्रोपोगंडा में फंस जाए, तो ये जर्नलिस्ट इनको ही काउंटर करने लगा पाकिस्तान का कि भाई कैसे होगा ये, आपको आइडिया है कि तालिबान। फिर उन्होंने बोला कि हमारी तो आर्मी इतनी स्ट्रांग है, तालिबान इतना स्ट्रांग है। तो ये रिपोर्टर बोला आर्मी स्ट्रांग है तो आर्मी आजाद कराए जाके कश्मीर को, तालिबान यहाँ पे क्या करेगा। तो कुल मिला के अपने स्टेटमेंट पे इस पर्टिकुलर बहस में फंस गए। लेकिन ओवरऑल ये जो प्रोपोगंडा है, ये प्रोपोगंडा बहुत इंटेंशनली चला रहा है। अगर आप तालिबान का ऑफिशियल स्टेटमेंट की बात करो तो तालिबान पहले ऑफिशियल स्टेटमेंट दे चुका है कि कश्मीर इंटरनल और बायलेटरल मुद्दा है पाकिस्तान इंडिया का, वो अपना निपटे। बट उसके बाद भी पाकिस्तान जबरदस्ती तालिबान को उस मुद्दे में खींचने की कोशिश कर रहा है, प्रोपोगंडा चला के। एक तो वो अपनी आवाम को अपनी तरफ खींच रहे हैं, दूसरा इंडिया को डराने की कोशिश कर रहे हैं, तीसरा तालिबान को मैसेज भेज रहे हैं कि हमने तुम्हारे लिए इतना कुछ किया तो हमारी मदद करो। क्या तालिबान इनकी मदद करेगा, हाईली अनलाइकली कि उनके फाइटर्स आके कश्मीर में लड़े। हाँ ये हो सकता है कि भाई आपको पता है कि जो गिलगित बल्तिस्तान वाला इलाका है, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है, वहाँ पे बहुत सारे कैंप्स चलाते हैं जहाँ पे टेररिस्टों को ट्रेनिंग दी जाती है, और ट्रेनिंग देने के बाद उनको इन्फिल्ट्रेट किया जाता है कहाँ पे, इंडियन साइड ऑफ कश्मीर के अंदर। तो यहाँ पे ये लोग क्या करेंगे कि जो ट्रेनिंग वगैरह वाला काम है ना, इसको अफगानिस्तान में शिफ्ट कर देंगे। और तालिबान पाकिस्तान के रिश्ते बहुत पुराने हैं। जब हमारा IC-814 किडनैप हुआ था, या कह लीजिए हाईजैक हुआ था, किडनैप तो नहीं बोला, हाईजैक हुआ था, तो हाईजैक करके उसको कांदाहार लेके आया गया, और कांदाहार उस समय पे तालिबान के कंट्रोल के अंदर था, और हमको 4 आतंकवादी छोड़ने पड़ गए, और उन 4 आतंकवादियों ने बाद में इंडिया के ऊपर अटैक किया। तो कुल मिला के तालिबान के पाकिस्तान के साथ लिंक है, ISI के साथ लिंक है, ये पूरी दुनिया को पता है। किस हद तक तालिबान मदद करेगा पाकिस्तान को, तो देखिए मदद करने के चांसेस हैं। रीजन बीइंग कि जितना भी असला पहुंचता है अफगानिस्तान में, जो मेजर असला पहुंचता है, गोला बारूद पहुंचता है, वो पहुंचता है पाकिस्तान के रास्ते। ईरान भेजेगा नहीं, तजिकिस्तान भेजेगा नहीं, अफगानिस्तान खुद एक लैंडलॉक कंट्री है, तो असला गोला बारूद कहां से आएगा, ठीक है। चाइना का तो छोटा सा वखान कॉरिडोर है। तो अगर आप देखोगे तो मेन पाकिस्तानी है जो ये गोला बारूद असला अपने बॉर्डर के थ्रू पाकिस्तान के पास, सॉरी अफगानिस्तान के पास भेजता है। तो अफगानिस्तान का जो तालिबान ग्रुप है, उसको पाकिस्तान की जरूरत है। तो इस जरूरत के एक्सचेंज में हो सकता है आगे आने वाले समय में पाकिस्तान तालिबान के ऊपर प्रेशर डाले इनडायरेक्टली कि भाई आप ट्रेनिंग में मदद करवाइए टेररिस्ट की, हमें इंडिया के ऊपर ये अटैक करवाने हैं। तो ऑफिशियली तो ऑब्वियसली बात है तालिबान इंडिया के अगेंस्ट कभी नहीं कुछ बोलने वाला है, क्योंकि इंडिया वहां पर इंटरफेरेंस नहीं कर रहा, तो ऑफिशियली वो भी इंटरफेरेंस नहीं करेंगे, और वो ये कभी नहीं चाहेंगे कि उनकी किसी हरकत की वजह से इंडियन मिलिट्री वहां पहुंचे। और ओवरऑल तालिबान के जीतने का कितना रेडिकल इंपैक्ट आ रहा है पाकिस्तान के अंदर। पाकिस्तान में एक जामिया हफ्सा करके सेमिनरी है, सेमिनरी को आप कह सकते हो कि एक रिलीजियस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। तो अब इस सेमिनरी में क्या हुआ, इस्लामाबाद में है ये सेमिनरी, वहां पे पाकिस्तान का झंडा उतार के तालिबान का झंडा फैला दिया गया। और ओवरऑल उस सेमिनरी में जो पढ़ने वाले बच्चे थे ना, वो तालिबान के फेवर में पोएम्स वगैरह बोल रहे थे, तालिबान जिंदाबाद बोल रहे थे। जब पाकिस्तानी एडमिनिस्ट्रेशन को पता चला तो हकबका गए कि भैया ये तालिबान का झंडा कहां से लग गया, और ओवरऑल पाकिस्तान का झंडा कैसे उतर गया, और ऊपर से सेमिनरी का चीफ क्या बोल रहा है
कि हम चाहते हैं तालिबान अफगानिस्तान का बॉर्डर और एक्सपेंड करे। अभी और कहां एक्सपेंड करके जाएगा, या तो पाकिस्तान में घुसेगा, या चाइना में घुसेगा, या तजिकिस्तान में घुसेगा, या ईरान में घुसेगा। तो क्या आप पाकिस्तान के अंदर जो बहुत ज्यादा एक्सट्रीमली रेडिकल एलिमेंट्स है वो ये चाहते हैं कि तालिबान अब अफगानिस्तान के बॉर्डर्स को एक्सपेंड करे? अब बॉर्डर एक्सपेंड करेगा तो कहां घुसेगा? पाकिस्तान में घुसेगा, सारा का सारा रायता तो पाकिस्तान का फैलाया हुआ है। जो बॉर्डरिंग प्रोविंस है आपकी बलूचिस्तान वाली पाकिस्तान की, वो किसके साथ लगती है? अफगानिस्तान के साथ लगती है। इस बलूचिस्तान प्रोविंस में बहुत तगड़ा तालिबान का एक बेस है। तो क्या अगला टारगेट तालिबान का ये होगा कि हम बलूचिस्तान को कब्जा करें? तो अब कुछ कह नहीं सकते आगे क्या होने वाला है, लेकिन डेफिनेटली ये है कि भाई पाकिस्तान के अंदर प्रोपोगंडा फैलाया जा रहा है। प्लस अब देखिए, अब जो भी प्रोपोगंडा हो रहा है वो एंटी इंडिया प्रोपोगंडा है, एंटी कश्मीर प्रोपोगंडा है। मतलब इनका खुलेआम ये डिक्लेयर कर रहे हैं कि हम कश्मीर को आजाद करवा लेंगे इंडिया से। लेकिन हमने ये देखा होगा कि बहुत लंबे समय से हमारी जो पॉलिसी है वो इतनी कन्फ्रंटेशनल नहीं रही है। पाकिस्तान की पॉलिटिक्स हमेशा इंडिया के अगेंस्ट कन्फ्रंटेशनल रही है। वो ओपनली बोलते हैं कि हम कश्मीर को आजाद कराएंगे, हम लोग कभी इस बात को उतना ओपनली नहीं बोलते जो कि हम लोग अमन शांति पीस की बात करते हैं। इंडिया के पास मौके आए थे गिलगित बल्तिस्तान को ऑक्यूपाई करने के, जब ओवरऑल हरी सिंह ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया था तब भी एक मौका था, जब आपका ये कारगिल वॉर हुआ तब भी एक मौका था, बट अमन और शांति के चलते इंडिया ने ऐसा नहीं किया। पाकिस्तान जब भी कोई टेररिस्ट अटैक करता है या जब भी फुल स्केल वॉर छेड़ता है, उनका सबसे पहला टारगेट रहता है कि वो किसी भी तरीके से इंडियन साइड ऑफ कश्मीर को कब्जा ले। तो इस प्रकार के पाकिस्तानी स्टैंस को एक ही प्रकार से काउंटर किया जा सकता है कि इंडियन फॉरेन पॉलिसी स्टैंस भी बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो जाए पाकिस्तान की तरफ, और अब पाकिस्तान को क्लियर कट एक सिग्नल जाना चाहिए कि अगर वो इंडियन साइड पे इंट्रूजन करने की कोशिश करेंगे तो हम उनको केवल पुशबैक नहीं करेंगे, उनके इलाके में भी घुसेंगे। अब तक है ना कि कारगिल वॉर हमारे सोल्जर्स ने जीता लेकिन उनके इलाकों में नहीं घुसे, जबकि उनके अंदर जाके स्ट्राइक कर सकते थे। अटल बिहारी वाजपेयी साहब ने मना कर दिया, नेहरू जी ने 1947 में मना कर दिया था। लेकिन अब एक कन्फ्रंटेशनल अप्रोच ये आनी चाहिए, और पाकिस्तानी लीडर्स को पता होना चाहिए कि उनकी आर्मी अगर अंदर घुसी तो सिर्फ पुशबैक ही नहीं करेंगे, उनके इलाके में भी घुसेंगे। जब तक उनको ये डर नहीं होगा कि यहां ऑक्यूपाई करना तो दूर, उनका खुद का इलाका उनके हाथ से निकल जाएगा, तब तक वो चुप बैठने वाले नहीं है। और रही बात चाइना की, तो चाइना को केवल इस बात से फर्क पड़ता है कि उनका वन बेल्ट वन रोड प्रोजेक्ट चलता रहे। अगर कल की डेट में गिलगित बल्तिस्तान को ऑक्यूपाई करके इंडिया बोल देता है कि भाई तुम्हारा हम सीपीईसी चलाते रहेंगे, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को चाइना इंडिया इकोनॉमिक कॉरिडोर कर दो, तुम चलाते रहो, तो चाइना को भी कोई खास फर्क पड़ेगा नहीं। चाइना को सिर्फ अपने ओवरऑल जो भी उनके प्रोग्राम्स हैं इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग के, डब ट्रैप के, वो चलाने हैं। वो कहीं से भी चलें, चाहे इंडिया के अंदर चलें चाहे पाकिस्तान के अंदर चलें। तो इंडियन फॉरेन पॉलिसी शुड बी मोर कन्फ्रंटेशनल, जो कि पाकिस्तान की तो ओपनली कन्फ्रंटेशनल है। वो तो सीधे सीधे बोलते हैं कि भाई हम इंडियन साइड ऑफ कश्मीर को तोड़ देंगे, अपने ऊपर मिला लेंगे। तो इस प्रकार के स्टेटमेंट्स अब ओवरऑल आप कह सकते हो कि इंटेंट में दिखने चाहिए, और अगर इंटेंट में दिखेंगे तो एक बार को पाकिस्तानी आर्मी और पाकिस्तानी एडमिनिस्ट्रेशन डरेगी कि भैया यहाँ कब्जा करने के चलते जो हमारे पास है वो हमारे हाथ से ना निकल जाए। जब तक ये डर नहीं आएगा तब तक वो और घुसने की और कन्फ्रंटेशनल अप्रोच रखेंगे। ये छोटा सा एनालिसिस है, आशा करता हूँ आपको पसंद आया होगा। अच्छा लगा हो तो आप वीडियो पर लाइक का बटन दबाइए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग साथ इस चैनल को शेयर करिए, और इंस्टाग्राम पर फॉलो भी कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है।